हाँ तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था जैसे कि हम क्या पढ़ रहे थे, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने क्या पढ़ लिया कि ब्रिटिश से हमने क्या, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया। दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या लिया है, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या क्या प्रोविजन लिए हैं, उसके बारे में आज आओ बात कर लेते हैं। तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। आज आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को देख लेते हैं भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये कहो कि हर बार का, मतलब हर बार कहीं ना कहीं तो पूछ ही लिया जाता है ये वाला टॉपिक, है ना। इसमें से कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो इतना अच्छे से समझना है ना, मतलब टकटकी लगाकर वीडियो को देखना है तुम्हें, ये मान लो। और इसमें क्या है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आएंगी और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे अपन, तो थोड़ा सा यार गौर से देखना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इसके अंदर से, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आ जाओ। और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को बताने की जरूरत ही नहीं है कितना, मतलब किसी चीज के अंदर कितना, उससे देखते अपन, मन और लगन लगा के देखना, मन और लगन दोनों ही चीज एक साथ बोल दी। हाँ, ये चीजें चाहिए हमें। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक चीज आती है, वो क्या है, वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। क्या, सिंगल सिटीजनशिप। भाई साहब, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, मतलब हद होती है इसी टॉपिक से कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, और इतनी बार मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आता है ये, और हर बार गलत हो जाता है। तो हमें एक भी, अगर मैचिंग के अंदर हमें एक भी पता होता है ना, तो हमारे क्वेश्चन के सोल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको पता है। तो हम से सबसे पहले यही पूछा जाता है, अगर मैचिंग आएगा ना इन चीजों का, तो उसके अंदर सिंगल सिटीजनशिप पक्का मिलेगा तुम्हें, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो जाता है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सिंगल सिटीजनशिप है ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में एक अलग ही डेफिनेशन है, अलग ही चैप्टर है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो मैं वैसे बता देता हूं आपको, सिंगल सिटीजनशिप का अर्थ होता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं ना, उस देश के अंदर अगर सिंगल एक सिटीजनशिप ले ली हमने, तो कहीं उस पूरे देश में कहीं भी घूमने के लिए दूसरे सिटीजनशिप की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। और ये कहां से लिया हमने, ये हमने लिया था ब्रिटिश से, या ब्रिटेन से लिया था, यूके से लिया था हमने, ये कहां से लिया था, ब्रिटेन से लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया था। क्या, सिंगल सिटीजनशिप। सर, और कहीं नहीं था क्या? बिल्कुल भाई साहब, और कई जगह पर अलग अलग प्रोविजन होते हैं, जैसे अपन यूएसए को देख लो हाल ही में, क्योंकि यूएसए काफी चर्चा में रह रहा है, आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद जोन बाइडन, कमला, जो कमला हैरिस है अपने देश की है, जो कि मतलब मूल अपने देश की है, तो उसके बारे में भी। तो वहां पर क्या है, यूएसए के अंदर कोई कभी कोई पूछ ले, तो यूएसए के अंदर होता है भाई डबल सिटीजनशिप का फंडा। किसका फंडा होता है, डबल सिटीजनशिप का। डबल सिटीजनशिप का फंडा कहाँ है, यूएसए में। सर, इसका मतलब क्या है, डबल सिटीजनशिप का मतलब, इसका मतलब है कि आप यूएसए में जाओगे ना, तो वहां पर क्या होता है, हर एक स्टेट की अलग ही पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। वहां पर ये नहीं है कि यूएसए है तो आप यूएसए के, आपने वीजा लिया या फिर कुछ भी लिया और आप यूएसए के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, नहीं, हर एक अलग अलग स्टेट का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है वहां पर। तो इसके लिए वहां पर क्या होती है, स्टेट्स की अलग से क्या लेनी पड़ती है, सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, और सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ेगी, तो मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप हो गई। तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, जिस स्टेट के अंदर आप रहते हो उसकी सिटीजनशिप प्लस पूरे यूएसए की सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का भी फंडा क्या होता है, ड्यूअल होता है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर आप कहीं भी रहो, जहां आपका मन करे, सिर्फ एक सिटीजनशिप चलती है, वो है इंडियन सिटीजनशिप, और वो आपके पास है, तो आप इंडिया के अंदर कैसे भी रह सकते हो, बेरोक टोक, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो यहां तक समझ में आया, सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप के अंदर अंतर बता दीजिए भाई। दूसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, जो तुम्हें ली गई है पेपर के अंदर, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, तो उसके अंदर दूसरी चीज आती है, बाइकैमरलिज्म। भाई ये ऐसा वर्ड है ना, इसका मतलब है ना, लोगों को पता नहीं होता है बाइकैमरलिज्म का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है द्विसदनात्मक। कितने, द्विसदनात्मक, मतलब दो सदन,
एक ही स्टेट के अंदर जब दो सदन हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, द्विसदनात्मक। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट हमारे इंडिया के अंदर है और वो कहां से उठाया गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से उठाया गया है। इतनी बार पूछा जाता है बाइकैमरलिज्म कहां से लिया गया है और आपको सिर्फ टिक मार रहा है क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट। बैठा लो दिमाग के अंदर, बी से बी, बी से बी, बी से ब्रिटिश, बी से बाइकैमरलिज्म, खत्म। दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या लिया गया है, बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट लिया गया है। सर ये बाइकैमरलिज्म होता क्या है, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। बिल्कुल, इसके बारे में ये भी भाई अपने आप में पूरा चैप्टर है पॉलिटिका, तो इसके बारे में अपन फिर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि बाइकैमरलिज्म होता है, एक ही स्टेट के अंदर जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक होती है, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, तो इसी प्रकार से दो अलग अलग सदन होते हैं। ठीक है, तो दूसरा सदन होता है ना, वो कुछ एक स्टेट्स के अंदर ही है अपने इंडिया के अंदर, जो अप्रोक्सीमेट आई थिंक जितना मेरे दिमाग में आ रहा है कि 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट लगता है। और इसके अंदर जो बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट लगता है ना, इसके अंदर राजस्थान अभी कुछ ही साल पहले मतलब एक 2019 से 20 के अंदर ही जुड़ा है। तो बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट है ये कितने स्टेट के अंदर लगता है, 6 स्टेट के अंदर। और ये कौन कौन से स्टेट है इनके बारे में भी अपन अच्छे से बात करेंगे, जब हम बाइकैमरलिज्म अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म का अर्थ समझ में आया, द्विसदनात्मक, दो सदन जिसके अंदर होते हैं, जिस स्टेट के अंदर दो अलग अलग सदन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स वगैरह, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, बाइकैमरलिज्म आ जाता है। तो बाइकैमरलिज्म का मीनिंग समझ में आया। ये इज्म वाले जो एसएम वाले लिज्म वाले जितने भी है ना, बहुत ही कम्युनलिज्म, बाइकैमरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले बता रहा हूँ। वैसा भी पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, याद रखना ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है, बी से बी याद रखना। उसके बाद भाई साहब क्या कि इसके अंदर फिर एक जो अपनी संसद बैठती है, क्या बैठती है, संसद बैठती है। इसके अंदर अपोनेंट मेंबर भी होते हैं, तुम्हें पता है जो पार्टी अभी रूल कर रही है तो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं और अपोनेंट पार्टी के भी मेंबर्स होते हैं। तो ये जो अपना ये जो कंसेप्ट है ना किसका, हाँ, तो पार्लियामेंट्री का कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है, पार्लियामेंट्री का कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है, यहीं से लिया है। याद रखना ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने पार्लियामेंट्री का कंसेप्ट लिया है। पार्लियामेंट्री में मतलब सर, पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसद। क्या होता है, संसद। अब संसद भवन होती है, जो भी संसद होती है अपनी, उसके अंदर क्या होता है, रूलिंग पार्टी होती है, उसके मेंबर्स होते हैं, प्लस कुछ अपने जो हेड होते हैं वो भी बैठे होते हैं उधर। तो जो पार्लियामेंट होता है ना, वो कंसेप्ट कहाँ से आया है, कहाँ से पता चला कि सर हमें पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, मुद्दों को डिस्कस करेंगे हम, हमें अपोनेंट को भी रखना है किसी सदन के अंदर, कहाँ से दिमाग में आया ये? ये आया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट में होता है कि भाई साहब सामने वाला अपोनेंट भी बैठा हुआ होना चाहिए तो ही कुछ काम हो सकता है। अब भाई साहब जब तक तो तुम्हारे अपोनेंट में कोई नहीं होगा ना, तुम तुम्हारी मर्जी चलाओगे। मान लो कि आज अपने जो इंडिया के अंदर दो रूलिंग पार्टी मेजर है, आपको पता ही है, एक तो बीजेपी मान लो और एक अपना कांग्रेस मान लो। ठीक है, ज्यादातर मतलब मेजर पार्टी यही है, तो इनके बारे में ही देख लो, अगर कांग्रेस नहीं होगी तो बीजेपी अपनी मन की चलाएगी, क्योंकि रूलिंग पार्टी कुछ भी करेगी, तो कुछ भी नहीं करने दिया जाए। इसके लिए क्या किया, पार्लियामेंट्री का कंसेप्ट आया था कि कोई भी इंसान अपनी रूलिंग, अपने जो उसका गलत फायदा ना उठाए, अपने ओहदे, अपने पद का कोई गलत फायदा ना उठाए। तो इसके लिए किसको लिया गया था, पार्लियामेंट्री को लिया गया था। और इसके अंदर दोनों के दोनों सदन होने चाहिए पार्लियामेंट्री के अंदर, इसलिए पार्लियामेंट्री कंसेप्ट हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया था। तो कैसे याद रखोगे सर, याद रखना ही तो नहीं होता, प्रॉब्लम ही तो यह है। तो भाई याद रखना, बीपी पहला क्या था, बीबी, बीवी को देखकर क्या हो जाती है तुम, बीपी हाई हो जाती है, तो बस बीवी को देखकर क्या हो गया, बीपी हो गया। यहां से देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया, ब्रिटिश से लिया। बाइकैमरलिज्म कहां से लिया, ब्रिटिश से लिया। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया, ब्रिटिश से लिया। बस बीवी को देखकर बीपी हाई हो जाता है, खत्म। यार इतना याद रखने का ऐसी ट्रिक है बस, बीवी को
वो देखकर बीपी हाई हो जाता है, हाई हो गया। सीधी सी बात है, हमने तो अभी नहीं किया, हम तो क्या है ना यूपीएससी एस्पायरेंट्स लोग हैं, लेकिन जितना हमने सुना है अपनी सोसाइटी से, वहां से हमें देखकर यही पता चलता है, बस बीवी को देखकर बीपी हाई हो गया। तो हमें ये और ये इन तीनों को याद रखना है, और इससे आसान ट्रिक शायद ही कोई बता पाए, और ये भाई साहब कहीं याद नहीं होंगे, पहले बता रहा हूं, जिंदगी में कभी भी देख लेना, कहीं याद नहीं होंगे। आज जो ट्रिक बताई है इसको याद रखोगे तो याद रह जाएगा। बीवी को देखकर, सॉरी, बस बीवी को देखकर बीपी हाई हो गया। यहां से क्या है, एस क्या है, सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ बाइकैमरलिज्म ब्रिटेन से लिया गया है, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। तीनों के तीनों पेपर में इतनी बार पूछे जाते हैं और इतनी बार बनता है ना सवाल, कोई हद नहीं। तो भाई साहब इन चीजों को, इस ट्रिक को लिख लो, कुछ भी कर लो, दिमाग के अंदर घुसा लो, वैसे याद रह जाएगी ये ट्रिक, मेरे को जितना विश्वास है ये ट्रिक याद रह जाएगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन और है भाई इसके अंदर, वो भी बता दूं। एक है भाई इसके अंदर कैबिनेट सिस्टम, किसका, कैबिनेट सिस्टम। अब इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थे उनकी ट्रिक बता दी। अब मैं बता तो सकता हूं, पर तुम वैसे समझदार आदमी हो, थोड़ा सा समझ जाना इसकी ट्रिक। अब ट्रिक से क्या समझोगे यार, मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम वैसे बहुत समझदार आदमी हो। तो क्या है भाई इसकी जो क्या है, तो कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहां से लिया है, कैबिनेट सिस्टम ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने कहां से लिया है भाई साहब, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। कैबिनेट सिस्टम में क्या होता है सर, कैबिनेट सिस्टम में होता है भाई साहब, कैबिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है ये समझो। कैबिनेट सिस्टम का अर्थ होता है मंत्रिमंडल, जो अपनी मंत्रियों की, जितने भी मंत्री बनते हैं ना अपने देश के अंदर, देखो मंत्री पहले बहुत ज्यादा हो गए थे, तो एक रूल भी निकाला था कि दिल्ली के अंदर तो 10% से ऊपर मंत्री नहीं होंगे, तो पूरे देश के अंदर 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे, ऐसा कुछ रूल निकाला था जैसे मोदी की सरकार आई थी, वरना उससे पहले तो मंत्री बहुत ज्यादा हो गए थे। तो इसके बारे में बताया कि भाई क्यों कर रहे हो इतना, मतलब इतना सब क्यों फैला रहे हो ये, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक रूल निकाला था, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो याद रखना जो कैबिनेट सिस्टम है ना अपना, कैबिनेट सिस्टम ये कहां से लिया गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो तुम ट्रिक तो महान आदमी हो तुम लोग, तो तुम ही बता दो इसकी ट्रिक, तो क्या बताऊं मैं तुम्हें। फिर उसके बाद भाई साहब अब सारे काम कर रहे हैं ये, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सारे काम ले रहे हैं अपन, बाइकैमरलिज्म भी ले लिया, कैबिनेट सिस्टम भी ले लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ले लिया। तो भाई साहब पार्लियामेंट्री तो ले लिया, पार्लियामेंट्री में बैठ के क्या करोगे, समोसे खाओगे क्या, हलवा खाओगे, नहीं, क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर बैठकर हम क्या बनाएंगे, हम अपने संविधान के क्या बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ये भी कहां से लिया गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का कंसेप्ट भी हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। तो आज के लिए काफी है, शायद आपको ट्रिक भी पसंद आई होगी, शायद आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा ये पूरा पूरा कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना भाई, क्या ना उसको हम आगे प्रोसीड करते टाइम, दूसरे वीडियो में आते टाइम हम क्या करेंगे उसको आपको पहले समझाते हुए चलेंगे, और तो क्या हो सकता है, ठीक है। ये था अपना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सपोर्ट मी का।